आज हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री के कुछ पॉपुलर टर्म्स की जो इंडस्ट्री में नहीं है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो लोग नहीं हैं उनको नहीं पता, या प्राइमरली स्टूडेंट्स हो गए, बाहर के लोग हो गए, कईयों को नहीं पता होता है। तो हमने कहा कि चलो हम उनके ऊपर बात करते हैं। कई ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जो थोड़े कन्फ्यूजिंग लगते हैं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनको कईयों को पता होता है उसके बारे में, जो मिड लेवल वाले हैं उनको बहुतों को नहीं पता होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, प्रोबेबली टर्म्स वाइज हम बात करेंगे। आज के टॉपिक्स छोटे छोटे होंगे, जैसे एक टर्म हमने पकड़ लिया, उस टर्म को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो टर्म क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे हम आज। ओके, अब हम बात करते हैं स्प्रिंट की डेफिनेशन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्प्रिंट क्या होता है। स्प्रिंट बेसिकली, जैसा मैंने कहा कि स्प्रिंट हम कहते हैं एक पूरे साइकिल को जिसमें कि हम एजाइल में डेवलपमेंट करते हैं। वो साइकिल 2 हफ्ते का भी हो सकता है, 2 से 4 हफ्ते का भी हो सकता है। तो दैट पर्टिकुलर साइकिल इज कॉल्ड स्प्रिंट, जिसमें कि आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट और आपका टेस्टिंग सब कुछ होता है। तो दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्रिंट। तो अब बात करते हैं कि यूजर स्टोरी, फीचर, टास्क, ये क्या चीज़ होती है। देखिए, यूजर स्टोरी इज बेसिकली आपका एक तरीके से रिक्वायरमेंट, या आप ये कहें कि यूजर स्टोरी इज ए रिक्वायरमेंट इन एजाइल। एजाइल, जब आप एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं तो उसमें यूज़र स्टोरी जो होता है वो एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होता है, एक पर्टिकुलर पूरा साइकिल होता है एक एप्लीकेशन का। जैसे अगर आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, अब ई कॉमर्स एप्लीकेशन में एक यूज़र का बिहेवियर, आपका लेट्स से कस्टमर है, कस्टमर का एक बिहेवियर जो है, पूरे बिहेवियर के साइकिल को हम एक यूज़र स्टोरी कहेंगे, जो कि एक फीचर पूरा डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूज़र लॉगिन करता है तो उसको लॉगिन पे क्या क्या दिखना चाहिए, दैट इज़ ए यूज़र स्टोरी। ठीक है, सो यूज़र स्टोरी इज़ बेसिकली वन कंप्लीट फीचर और वन बिहेवियर ऑफ ए यूज़र। एक यूज़र जो है, एप्लीकेशन का जो यूज़र है उसका क्या बिहेवियर होगा, और उस मतलब ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है ऑब्वियसली, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ में बिजनेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट मैनेजर, जो भी बिजनेस के लोग हैं जिनका क्लाइंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, दे राइट द यूज़र स्टोरी। उसमें वो लिखते हैं कि हाँ भाई, एक यूज़र जो है उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए किस पर्टिकुलर सिनेरियो में। सो दैट इज़ ए यूज़र स्टोरी। उसके बाद आती है बारी फीचर की। यूज़र स्टोरी को हम फिर बाद में डिफरेंट फीचर में बांटते हैं। दैट फीचर इज़ आपका कि जैसे आप पहले वाटरफॉल में क्या होता है, डिज़ाइन होता था, जिसमें कि डिज़ाइन में आपके रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता था, और रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद आपका HLD LLD बनता था, यानी लो लेवल डिज़ाइन या हाई लेवल डिज़ाइन बनता था। हाई लेवल डिज़ाइन जो है आपका एक तरीके से यूज़र स्टोरी हो गया, लो लेवल डिज़ाइन जो हो गया दैट इज़ योर फीचर, कि आप उस यूज़र स्टोरी को, उस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कौन कौन से एप्लीकेशन के कौन कौन से पार्ट्स में या क्या क्या फीचर लिखेंगे। जैसे एप्लीकेशन में यूज़र लॉगिन करता है तो उसको क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए। अब यूज़र लॉगिन करता है तो इसके लिए आपका क्या फीचर, आपको लॉगिन का फीचर लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या क्या दिखता है, दैट मीन डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में कौन कौन से मेनू आइटम्स आएंगे। सो ये डिफरेंट फीचर्स हैं। सो आपका यूज़र स्टोरी के बाद एक यूज़र स्टोरी पे मल्टीपल फीचर्स बनते हैं, और उस मल्टीपल फीचर का जो स्मॉलेस्ट ट्रैकेबल यूनिट है दैट इज़ योर टास्क। सो ये 3 चीज़ें होती हैं आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, मोस्टली एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये फॉलो होता है, दैट इज़ यूज़र स्टोरी, फीचर एंड टास्क। इनके नाम डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट होते हैं। प्राइमरली यूज़र स्टोरी का तो यूज़र स्टोरी ही नाम होता है, बाकी चीज़ों के नाम लोग बदलते रहते हैं, लेकिन आपका प्राइमरी यही होता है कि यूज़र स्टोरी, फीचर और टास्क होता है। टास्क इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरेबल यूनिट। यूज़र स्टोरी जो होती है वो स्प्रिंट लेवल पे काउंट होती है कि हाँ भाई, इस स्प्रिंट में हम इतनी यूज़र स्टोरीज पे काम करेंगे। दैट इज़ आपको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। सो जब स्प्रिंट स्टार्ट होती है तब डिसाइड किया जाता है कि उस स्प्रिंट में हम किन किन यूज़र स्टोरीज पे काम करेंगे। दैट पर्टिकुलर लिस्ट इज कॉल्ड एज स्प्रिंट बैकलॉग। और फिर उस स्प्रिंट बैकलॉग पे आप जो हैं वो डिफरेंट फीचर्स बनाते हैं। दैट जो जैसे मैंने बताया कि फीचर क्या होते हैं, तो आप वो फीचर्स बनाते हैं, वो फीचर राइट करते हैं। ये फीचर यूजली टीम लीड्स, स्क्रम मास्टर, या कई बार डेवलपर भी खुद ही लिखते हैं और उस फीचर के बाद आप उसको फर्दर टास्क बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि यूज़र लॉगिन करता है तो क्या बिहेवियर होगा, दैट इज़ अ यूज़र स्टोरी। उसके बाद उससे रिलेटेड फीचर्स कौन कौन से हो गए, लॉगिन फीचर हो गया, डैशबोर्ड फीचर हो गया, ठीक है, और ऑथराइजेशन फीचर हो गया। ये तीन फीचर हो गया। अब इनके टास्क बन गए, जैसे कि लॉगिन स्क्रीन बनाना एक टास्क है, डेटाबेस बनाना एक टास्क है, और आपका कहते हैं कि डेटा एक्सेस लेयर बनाना एक टास्क है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट टास्क जो कि डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स को टीम में असाइन होते हैं और वो डेवलपर उस पर काम करते हैं। सो टास्क इज योर स्मॉलेस्ट मेजरेबल यूनिट। उसके बेसिस पर आपका सारा जो है, इनफैक्ट यूजर स्टोरी भी ऑब्वियसली मेजरेबल होती है, क्योंकि हर यूजर स्टोरी में ये सोचते हैं कि हाँ भाई इस यूजर स्टोरी को करने के लिए इतना टाइम लगना चाहिए, फिर उसके जो सब टास्क जो डिवाइड होते हैं तो उनका टाइम टोटल होकर के उतना होता है कि नहीं होता है। ये सारा इसके पीछे पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कैलकुलेशंस होती हैं, जो वो सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो उसके जो रूल्स होते हैं, और अगर हमारे उस कैलकुलेशन के रूल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी स्प्रिंट की वेलोसिटी या डेवलपर वेलोसिटी जो बोलते हैं कि हाँ भैया इतना डेवलपर इतने इस लेवल पे काम कर रहा है, वो आपका कहते हैं कि हाँ भाई एस्टिमेशन गलत हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, और परफॉर्मेंस जो है टीम की अच्छी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें यूज़ होती हैं।